Very good morning, students. Let us start our next chapter today, chapter number three Kinship, Caste, and Class. Uh, this chapter particularly focuses on the history of 600 BCE to 600 CE. So, uh, in chapter number second, वेर यू आर स्टार्टिंग अबाउट द पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया दिस चैप्टर पर्टिकुलरली फोकस ऑन द सोशल हिस्ट्री ऑफ इंडिया फाइन हिस्ट्री की भी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं जैसे लाइक यू हैव इकोनॉमिक हिस्ट्री टाइम टू टाइम हाउ द इकोम डेवलपमेंट ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट पीरियड जस्ट ग्रेजुअली चेंज्ड सिमिलरली देर आर पोलिटिकल हिस्ट्रीज जिसमें हमने पढ़ा हाउ मॉरियंस लेटर ऑन सक्सीडेड बाई शुंग और आई दर द पोस्ट नोशन ऑफ किंगशिप एंड देन लेटर ऑन गुप्ताज सो ऐसे ही हमने अलग अलग डायनेस्टीज का चेंज पढ़ा दैट मीन्स पोलिटी जो एडमिनिस्ट्रेटिव रूलर्स है उनमें कैसे चेंज आया एंड नाउ वील बी डिस्कसिंग अबाउट द सोशल हिस्ट्री सो दैट इज वाई नाउ वील डिस्कस अबाउट हाउ एक्जैक्टली द सोसाइटी ऑल्सो ग्रेजुअली चेंज बिकॉज ऑफ द चेंजिंग ऑफ द रूलर्स चेंजिंग ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो एक चीज का दूसरी चीज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है सो so, इसी म्यूचुअल रेफरेंस को हम समझने की कोशिश करेंगे सो द चैप्टर्स नेम इज किनशिप किनशिप का मतलब होता है रिश्तेदारी बेसिकली किनशिप कैन बी डिफाइंड एज ब्लड बॉन्ड टाइज बिटवीन द ब्लड सो एक फैमिली दूसरे फैमिली से अगर ब्लड के बेसिस पे कनेक्टेड है तो उन्हीं को हम रिश्तेदार समझते हैं तो उनके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे बिकॉज किनशिप अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स आइडिया है जो इस टाइम पे डेवलप हुआ एंड देन अबाउट द कास्ट बिकॉज कास्ट सिस्टम इज समथिंग वेरी न्यू इन दिस पीरियड इसके पहले तक वर्ण सिस्टम प्रेवलेंट है आई होप अब तक आपको वर्ण और कास्ट का डिफरेंस समझ में आ गया होगा कास्ट सिस्टम इज नॉट वर्ण सिस्टम अगर आप वर्ण सिस्टम की बात कर रहे हैं तो आप उसको क्लास्ट सिस्टम कहेंगे वेर देर आर फोर वर्डर्स ब्राह्मीण क्षत्रिय वैश्यन शूद्र बट इस पीरियड तक कास्ट डेवलप होना स्टार्ट हो गई दैट मीन्स अमंग द वैश्य कम्युनिटी एंड अमंग द शूद्र कम्युनिटी वैश्य कम्युनिटी में लाइक like हमने सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया था कि बहुत सारे गिल्ड्स बन गए एंड गिल्ड के बेसिस पे लोग अपने आप को अब एज अ गोल्ड स्मिथ एज ब्लैक स्मिथ रेफर करने लगे तो अपनी श्रेणियों में लोगों ने खुद को डिवाइड कर लिया और उन श्रेणियों को ही अब लोग अपनी जाति कहने लग गए तो लोग अब खुद को कास्ट से आइडेंटिफाई करते हैं एंड ऑल्सो विल डिस्कस अबाउट द क्लास क्लास एज सच कुछ वर्ण जैसे ब्राह्मण वर्ण है या क्षत्रिय वर्ण है उनमें अभी बहुत ज्यादा कास्ट फॉर्म्स नहीं हुई है दे आर स्टिल रेगुल टिंग इन द सेम वर्णा सिस्टम तो उनके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सो so, चैप्टर का ये जो पूरा का पूरा फोकस है ये सारी चीजें हम एक्चुअली एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करके पढ़ने वाले हैं दैट टेक्स्ट इज महाभारत सो दिस टाइम इफ यूर वॉचिंग महाभारत इट इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प योर लॉर टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर बिकॉज महाभारत को हमेशा से हिस्ट्री में देखा जाए तो एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों को रही है कि इट्स अ माइथोलॉजी fine but this chapter will actually make it uh, very clear to you that mahabharat and ramayana are not mythologies uh, archaeological excavations and historians prove these are the incidents that have actually happened right and they are not just myths स्टडी महाभारत एज एन अकाउंट ऑफ सोशल हिस्ट्री जो हमें हम एक हिस्टोरिकल अकाउंट की तरह महाभारत को पढ़ेंगे आपको मैं ये बात बता दूं कि महाभारत को जब वेद व्यास ने कम्पोज किया था तो उन्होंने भी महाभारत को इतिहास कहा था फाइन उन्होंने इसके लिए वर्ड यूज किया गया है तो अगर महाभारत को हम देखें तो वो हिस्ट्री का सबसे पुराना अकाउंट है इंडिया में राइट right? जिसको एक्चुअली में कहा गया है हिस्ट्री बिकॉज इट्स अ रिकॉर्डेड पीरियड ऑफ पर्टिकुलर डायनेस्टी सो so, एक रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन uh, है वो हमारे पास सो इट इज ऑल्सो अ टेक्सचुअल ट्रेडिशन सो एक टेक्सचुअल uh, ट्रेडिशन दिखता है रामायण को आगे कैरी फॉरवर्ड करता है जैसे रामायण एक कहानी बताता है वैसे ही महाभारत भी एक स्टोरी uh, यहाँ पे डिपिक्ट करता है दैट एक्चुअली हैपनड राइट सो महाभारत के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर पीरियड की सोशल हिस्ट्री ऐसा हम क्यों करेंगे बिकॉज महाभारत वॉज कम्पोज बाई वेद व्यास फाइन एंड इट इज बिलीव्ड दैट इसकी डेटिंग से जो पता चलता है कार्बन डेटिंग प्रोसेस से दैट महाभारत वॉज रिटर्न अराउंड टू हंड्रेड बी सी टू टू हंड्रेड सीई पीरियड कुछ मैनोस्क्रिप्ट टू हंड्रेड बीसी की हैं कुछ टू हंड्रेड सीई की है तो बेसिकली चार सौ साल में महाभारत कम्पलीट लिखी गई है जो एक्चुअली अवेलेबल है बड़ी अजीब बात है राइट ऐसे कैसे पॉसिबल है तो इसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे चैप्टर जब हम एंड करेंगे तब एंड पर्टिकुलरली महाभारत इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द स्टोरी ऑफ 500 हंड्रेड बीसी मतलब महाभारत का जो एक्चुअल इंसिडेंट है जहां कौरवों और पांडवों की लड़ाई हुई है वो 500 हंड्रेड बीसी का इंसिडेंट है दैट मीन्स आज से लगभग पच्चीस साल पुरानी कहानी है महाभारत की दिस हैज बीन प्रूवड बाई आर्कोलॉजिकल एक्सक्यूवेशन फाइन उनके बारे में भी हम लास्ट में बात करेंगे नाउ महाभारत एज अ सोशल हिस्ट्री अकाउंट वॉट आर ट्राइंग टू एनालाइज हियर इज ऑल प्रिपेयर क्रिटिकल एडिशन फाइन तो 1919 में एक क्रिटिकल एडिशन महाभारत का प्रिपेयर किया किसने प्रिपेयर किया वी एस सुखतंकर ने फाइन सो so, वी एस सुखतंकर एंड उनकी 47 सेवन हिस्टोरियंस की टीम थी इन सब ने मिलकर के भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे में इसका क्रिटिकल एडिशन प्रिपेयर किया फॉर प्रिपेयरिंग इट्स क्रिटिकल एडिशन दे स्टार्टेड कलेक्टिंग द डिफरेंट मेनोस्क्रिप्ट ऑफ महाभारत फॉर कलेक्टिंग दीज दे विजिटेड कश्मीर दे विजिटेड नेपाल दे विजिटेड केरला तमिलनाडु एंड ऑल्सो मेनी पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया तो महाभारत की जो मैनोस्क्रिप्ट थी वो बहुत बिखरी हुई थी अलग अलग जगहों पर मिल रही थी एंड एवरी ट्रेडिशन हर डायनेस्टी ने कहीं ना कहीं अपनी कोई पुरानी मेनोस्क्रिप्ट रखी थी सो दीज आर देर आर लॉट ऑफ रीजनल वेरिएशन डेफर्ड फ्रॉम द स्टोरी स्टोरी एक हर जगह पे बहुत कॉमन नहीं निकल रही थी तो जो कॉमन कंटेक्ट थे स्टोरी के वो तो एक साथ लिखे गए बट जितने रीजनल वेरिएशन थे दे ऑल वर एडेड इन टू फूट नोट दैट मीन इन केरला महाभारत स्टोरी दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट हैज बीन डिस्क्राइब लाइक दिस तो फूट नोट में कमेंट डालकर उसको बताया गया रीजनल वेरिएशन को कि रीजन के अकॉर्डिंग भी काफी ज्यादा वेरिएशन थे महाभारत की स्टोरी में ओवरऑल फॉर कंप्लीटिंग दिस क्रिटिकल एडिशन इट टुक फोर्टी सेवन For V.S. Sukhtankar and his committee to prepare this critical edition. In nineteen sixty-six, finally, they completed it.

text aside from the religion and just try to look at them from an angle of history now let us try to understand the family tree of kuru dynasty because the story of mahabharat revolves around the kuru dynasty so kuru विच इज बेसिकली अ महाजनपद ड्यूरिंग दिस पीरियड फाइव हंड्रेड बीसी यू नो दैट सिक्स हंड्रेड बीसी में महाजनपद जेवलप हो रहे थे तो कुरू एक महाजनपद है पांचाल एक महाजनपद है गांधार एक महाजनपद है तो इन सारे महाजनपदों की अलग अलग रूलिंग सिस्टम है यू डू नो कि ये सारे रूलिंग सिस्टम धर्मशास्त्र एंड धर्मसूत्र के अकॉर्डिंग चलते थे जिन्हें सारे किंग्स फॉलो करते थे इट वॉज मैंडेटरी फॉर द किंग टू बी क्षत्रिय एंड ब्राह्मिंस का एज अ प्राइम मिनिस्टर पुरोहित की तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइजर uh, का काम होता था एंड ट्रेनिंग uh, जो है इस टाइम पे गुरुकुल में चलती थी जहाँ पे ऋषि जो है uh, प्रिंसेस को ट्रेनिंग देते थे सो so, कुरु डायनेस्टी में जो वॉर हुआ फॉर पावर उसी की कहानी है ये बिकॉज महाजनपद पीरियड में 16 महाजनपद में ऐसा बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट नहीं होता था सी 400 हंड्रेड के आसपास जब हरियन डायनेस्टी स्लोली ग्रेजुअली इमर्ज होते हुए नंद डायनेस्टी रिप्लेस करेगी तब जाकर के पावर को एक एक्सेशन का एक नया रूट स्टार्ट होगा अंटिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम एवरीबडी इज एट पीस जितना बड़ा किंगडम उनका है बहुत ज्यादा एम्बिशियसनेस नहीं है पावर को लेकर एंड एवरीबडी वॉन्टेड टू सेट टल डाउन विद वट एवर काम्पायर दे हैड बट वॉर बिटवीन ब्रदर्स वॉर बिटवीन द फैमिली इज समथिंग विच वॉज वेरी यूनिक दैट इज द रीजन की वेद व्यास ने सोचा कि वो इस वॉर को डेफिनेटली लिख के निकालेंगे क्योंकि अपने आप में एक इतिहास है सो so, कुरू डायनेस्टी का फैमिली ट्री स्टार्ट होता है किंग शांतनु से सो so, जितने भी ब्लैक uh, प्वाइंट है दीज आर द नेम ऑफ मेल एंड माइनस आर द फीमेल्स सो ब्लू कलर रिप्रेजेंट द फीमेल सो शांतनु जो है एक राजा थे एंड कुरु डायनेस्टी इन्होंने स्टैब्लिश की सो इनके फाउंडर से हम शुरुआत करेंगे शांतनु गॉट मैरिज टू सत्यवती बिफोर सत्यवती हिज फर्स्ट मैरिज वॉज विथ गंगा सो विथ गंगा हीड अ सन नेम इज भीष्माइन एंड विथ सत्यवती ही सन नेम इज विचित्र वीर फाइन अब सत्यवती की शांतनु से जब शादी हुई बिफोर दैट ऑल्सो सत्यवती वॉज इन लिंक विद पाराशर ऋषि पाराशर से शी गॉट अ सन नेम इज व्यास सो बिफोर मैरिज शी हैड अ सन हूज नेम इज व्यास सो बिकॉज व्यास वॉज आइडियली अ सन ऑफ ब्राह्मण सो दैट इज द रीजन वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द डायनेस्टी ऑफ कुरु फाइन तो व्यास जो है मतलब वेद व्यास खुद अगर आप एक तरह से देखें तो इज लिंक टू द डायनेस्टी बट नॉट डायरेक्टली सो इन डायरेक्टली ही इज लिंक देयर तो सत्यवती एंड पाराश्वर के बेटे हैं व्यास एंड शादी के बाद सत्यवती एंड शांतनु से हुए विचित्र वीर फाइन अब भीष्म ने तो जो है सेलिबेसी ले ली वो स्टोरी हम कभी बाद में रेसिफर करेंगे बट uh, अभी हमें इससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है बट गंगा पुत्र भीष्म ने सेलिबेसी ली क्योंकि सत्यवती ने uh, उन्हें फोर्स किया इसके लिए बिकॉज सत्यवती वॉज ग्रीडी फॉर पार शी वॉन्टेड हर सन टू राइज सो दैट इज वाई विचित्र वीर के लिए उन्होंने ये काम किया एंड दिस इज हाउ भीष्म ने सेलिबेसी uh, की शपथ ली कि हम हमेशा ब्रह्मचर्य कैरी uh, करेंगे तो बिकॉज इट इज द ड्यूटी ऑफ अ क्षत्रिय रूलर टू प्रोड्यूस एन एयर एंड भीष्म इज

सो ये दोनों सिस्टर्स थी एक्चुअली अंबिका अंबालिका दैट इज वाई एक जैसे नाम आपको दिख रहे होंगे उनके एंड इसके अलावा विचित्र वीर ऑल्सो हैड एन अफेयर विद दासी एंड जिससे उनको एक पुत्र हुआ विदुर तो उस दासी का ना ही कभी नाम रिवील किया गया सो विदुर को दासी पुत्र कहा गया दैट इज हाउ इट इज अंडरस्टूड की विदुर एक दासी पुत्र थे सो धृतराष्ट्र ने भी फिर शादी की धृतराष्ट्र इज इनिशियली ब्लाइंड बाय बर्थ तो क्योंकि वो ब्लाइंड था दैट इज द रीजन ही वॉज फिजिकली अनडिजायरेबल एंड दिस इज द रीजन की पांडु को देखा गया एज द रूलर राइट तो धृतराष्ट्र की शादी हुई गांधार की प्रिंसेस से जिसका नाम था गांधारी जिसके ब्रदर का नाम शकुनी है राइट right? तो गांधारी से शादी हुई धृतराष्ट्र की एंड गांधारी से धृतराष्ट्र को बेटे हुए सो so, सुयोधन एंड प्लस नाइन्टी नाइन ब्रदर्स इतने बेटे गांधारी को हुए अब आप सोच रहे होंगे सुयोधन क्या है सो इट्स एक्चुअली हिज नेम भाई बर्ड दैट इज आई रिटन हियर सुयोधन उसका नाम दुर्योधन नहीं था ही बिकॉज ही यूज टू बिहेव इन दिस मैनर विच वॉज ईवल दैट इज द रीजन लोग उसको उसके कर्मों की वजह से दुर्योधन कहते थे मतलब बुरा तो सुयोधन का मतलब था वो एक बहुत अच्छा योद्धा है बट उसको दुर्योधन नाम पड़ गया उसके कर्मों की वजह से राइट सो आइडियली बाई बर्थ कोई अपने बच्चे का नाम दुर्योधन क्यों रखेगा उसका नाम एक्चुअली सुयोधन था फाइन सुयोधन प्लस नाइन्टी नाइन ब्रदर्स एंड वन सिस्टर्स वन हंड्रेड वन टोटल चिल्ड्रेन फाइन इट्स वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट एग्जाम्पल ऑफ वॉट वी यू कॉल एज द आई वी एफ मेथड सो बिसड दैट धृतराष्ट्र के बाद पांडु ने भी दोष शादियां की तो पांडू वॉज एक्चुअली द

भी जो है कुछ टाइम के बाद जब धृतराष्ट्र किंग uh, नहीं बन पाए एंड पांडू को किंग चूज किया गया तो पांडु गॉड सफर्ड इट इज बिलीव दैट कि पांडू को शायद जॉन्डिस हुआ एंड uh, उसको ये सजेस्ट किया गया दैट द एनवायरमेंट ऑफ द पैलेस इज नॉट फिट एंड सुटेबल फॉर हिम दट इज वाई ही शुड लिव इन द जंगल सो पांडु को जंगल में रहने के लिए कहा गया इफ यू वॉन्ट टू सर्वाइव फर दर मोर तो नेचुरल हैबिटेट में रहने के लिए कहाज वाई पांडु हैड टू लिव द थ्रोन ही इज नॉट सपोज टू टेक ओवर द थ्रोन सो पांडु ने क्या किया धतराष्ट्र को एक इंटरिम किंग अनाउंस किया इंटरिम का मतलब ये है टेम्पररी बेसिस पे फाइन सो धृतराष्ट्र बोलते इंटरिम किंग हुड ओवर द थ्रोन टू हिज एल्डेस्ट सन युधिष्टिर वेन ही टर्स एटीन ईयर्स ओल्ड फाइन तो जब वो एडल्ट हो जाएगा जब उसकी एजुकेशन पूरी हो जाएगी तो एक सेवेंटीन एटीन की एज मानी गई कि कोई ऐसा एज बार नहीं होता था वोटिंग राइट right की तरह बट हाँ ये माना गया कि वंस द एजुकेशन विल बी कम्पलीटेड दैट टाइम युधिष्ठिर कैन हैव इज थ्रोन बैक सो दैट्स एग्जैक्टली वॉट हैपेंड पांडू डाइड इन द Jungle, but uh, the children waited a long time so that they should get their training complete and then they should come back. So Vidur asked them to come back because it was a uh, Vidur being the prime advisor. He has this uh, responsibility to just.

So his father never told him that actually I am just an interim king and I am supposed to give this throne to someone. So Duryodhan when he he was very sure that my father is king so who is going to take over the throne? That's me, that's it. But when suddenly an another brother arrived and this brother and this brother hardly had difference of a ear. तो बस एक साल ही बड़ा था युधिष्ठिर दुर्योधन से तो ये चीज फिर दुर्योधन के लिए एक बहुत बड़ा इश्यू बन गई बिकॉज नाउ सडनली रियलाइज दिस रियलाइजेशन दैट नाउ यू आर नॉट द किंग्स एयर एनी मोर रदर आर जस्ट अ अजन ब्रदर हु इज सपोज टू इनहेरिट सम रैंडम जनपद सो आप इस महाजनपद के किंग नहीं बनने वाले दैट इज समथिंग विच वॉज शॉकिंग फॉर दुर्योधन एंड दैट इज द रीजन द ब्रदर्स आर गोइंग टू नाउ फाइट अगेंस्ट ईच अदर राइट सो इस फाइटिंग से बहुत सारी चीजें हैं जो पता चलती हैं एंड बहुत सारे टाइज पता

Common wife of all these brothers, Draupadi, and uh, her role in this warfare, that is what we will try to find it out. Right? So, just go through the next video. Thank you so much.